Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर आपको Realme के C65 में फोटो या वीडियो हाइड करना है या फिर अनहाइड करना है तो आज की स्ट्रीम में आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। इस फोन की गैलरी को ओपन कर लीजिए जो कि आपको सर्च करके देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। इसको सर्च करके जब आप ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं। किसी के ऊपर आप इस तरह से प्रेस करके रखिए तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेट प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। अगर ऐप लॉक डाला है तो ऐप लॉक वाले लॉक को आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने नहीं डाला है तो सिंपल इस तरह का ऑप्शन देखेंगे। अगर आप डिफरेंट प्राइवेसी लगाना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके वो भी आप सेट कर पाओगे। तो जो भी आप प्राइवेसी के लिए लॉक रखना चाहते हो उस पर आप इस तरह से क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपका टीचर नेम पूछा जाएगा। टीचर नेम में आप डाल सकते हैं टीचर नेम, नहीं तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल के रख लीजिए। तो इसके आइकन पर जाएंगे तो सभी फोन के एक फोटो और वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी को हाइड करने के लिए उसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी का ऑप्शन, क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड आपका हो गया है। दो ऑप्शन मिल जाते हैं हाइड करने के, एक ये रहेगा जैसे कि आपको ये वाला वीडियो हाइड करना है तो इसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक कीजिए या मोर देखने को मिलेगा, हाइड पर क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से भी हाइड हो जाएगा। तो किसी भी फोटो को हाइड करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं। देखने के लिए इनमें से तीनों में से किसी के ऊपर प्रेस करके रखिए, आपका प्राइवेसी लॉक आ जाएगा। इसको आप डाल दीजिए, यहाँ पर डालने के बाद आपको ये फोटो और वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहीं से क्लिक करके आप इसको लॉन्ग टाइम और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अनहाइड भी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फोटो और वीडियो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।